हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। सर्दियों में वजन को कैसे कम करें। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां आती हैं वैसे ही साथ में आ जाता है मोटापा। यानी सर्दियों में हमारा वजन बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है, जिसका मुख्य कारण होता है कि सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, हमें भूख ज़्यादा लगने लग जाती है और इसी भूख को शांत करने के लिए हम तरह तरह के जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। अपनी बॉडी का तापमान बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा वजन बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और इस बढ़े हुए वजन को देख कर हमें इरिटेशन होने लग जाती है। क्योंकि वजन बढ़ने से ना सिर्फ बाहरी सुंदरता प्रभावित होती है बल्कि हमें बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां भी लग जाती हैं। लेकिन आलस के कारण ना तो हमारा जिम में जाने को दिल करता है, ना वॉक पे जाने को दिल करता है, लेकिन हाँ, घर बैठे ही वजन कम करने का दिल जरूर करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 टिप्स और 1 बोनस टिप, जिससे आप घर पर ही बैठे बैठे अपना वजन कम कर सकते हैं। किसी वॉक पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि पानी का इंटेक सही मात्रा में करना है। दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जैसे ही सर्दियां आती हैं हम पानी पीना बंद कर देते हैं या तो फिर बहुत ही कम कर देते हैं, क्योंकि सर्दियों में प्यास तो लगती नहीं है और हमारा दिल करता है कि हम गर्म गर्म चीजें ही पीते रहें, जिसके चक्कर में हम ज़्यादा चाय पीना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं या तो फिर तरह तरह के सूप बनाकर पीना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पानी का काम पानी ही करेगा। आपको एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने ही है ताकि आपका वजन मेंटेन रह सके या तो फिर कम हो सके। और जब भी पानी पीना है तो गर्म पानी ही पीना है। साथ ही आप अपने पानी में अदरक का थोड़ा रस बनाकर डाल सकते हैं, या तो फिर कभी उसमें जीरे का पानी बनाकर पी सकते हैं, या तो फिर कभी उसमें धनिये का पानी बनाकर भी पी सकते हैं। ऐसा करने से आपका वजन तेजी से कम होगा और आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सेकंड बात का जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि धूप का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, जैसे ही सर्दी आती है तो हमें कम से कम 1 घंटा धूप में जरूर बैठना है, क्योंकि धूप में बैठने से हमारी बॉडी खुल जाती है और हम फूल की तरह ही खिल जाते हैं। यानी हमारी बॉडी को धूप से विटामिन डी मिलता है और यही विटामिन डी हमारे आलस को दूर करने में हमारी सहायता करता है। हम थोड़ा एक्टिव महसूस करते हैं, रात को हमें नींद अच्छे से आती है। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी पूरा हो जाता है तो हमें भूख कम लगती है, हम कम खाना खाते हैं और हमारा वजन तेजी से कम हो जाता है। इसमें थर्ड बात का जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना है। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां आती हैं वैसे ही बाजार में तरह तरह की हरी सब्जियां भी आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि गाजर, मूली, पत्ता गोभी, टमाटर, खीरा। इन सभी सब्जियों को अगर आप खाते हैं तो आप बहुत ही कम कैलोरी अपने अंदर इंटेक करते हैं, लेकिन आपका पेट बहुत तेजी से भर जाता है, जिससे आप खाना कम खाते हैं और आपका वजन कम हो जाता है। इसलिए आपको सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी है और ये हरी सब्जियां आपको खाना खाने से पहले खानी है। जो भी मौसम के फल हों वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें आपको खाना खाने से पहले ही खानी है, जिससे आपका वजन तेजी से कम हो जाएगा। इसमें फोर्थ बात का जो आपको ध्यान रखना है कि सर्दियों में आप किसी भी टाइम पर उठते हैं
उस समय अपने लिए कम से कम 15 मिनट जरूर निकालें और बेड पर बैठे बैठे ही कपालभाति, अलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो इन्हीं तीन प्राणायाम से ही आपका वजन तेजी से कम हो जाता है। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ यही तीन प्राणायाम करने से आपका वेट कम हो गया है, आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस आ गई है। अगर आप किसी भी बहन को मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकती हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है nidhi231518। यह क्लास सिर्फ लेडीज के लिए ही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकती हैं, क्योंकि जब हम क्लास में होते हैं तब हम अपना वेट बहुत ही आसानी से लूज कर सकते हैं। इसमें फिफ्थ बात जो है कि आपको रात को खाना जल्दी खा लेना है। जल्दी मींस आपको कम से कम 7 बजे तक अपना खाना जरूर फिनिश कर देना है। और साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाएं उस समय उस खाने को बहुत ही चबा चबा कर खाएं। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारी टीचर हमें सिखाती थी कि आपको एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाना है। ऐसे ही जब भी आप अपनी बाइट को खाएं तो उसे कम से कम 32 बार जरूर चबाएं, क्योंकि जब हम अपने फूड को चबाकर खाते हैं तो हमारे मुंह का सलाइवा उसके साथ हमारी बॉडी में जाता है, जो हमारी भोजन को जल्दी से डाइजेस्ट करने में हमारी सहायता करता है, हमारा पेट भी जल्दी भर जाता है और हम कम खाना खाते हैं जिससे हमारा वजन कम हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी 5 टिप्स, अब बारी आती है बोनस टिप की। अब बोनस टिप ये है कि सर्दी आती है तो साथ ही बाजार में मूंगफली आ जाती है, गच्चक आ जाती है, रेवड़ी आ जाती है या तो फिर और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिन्हें देखकर हमें खाने का दिल भी करता है और हमें खानी भी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में, जिसके लिए जब भी आप उसे खाने के लिए बैठे तो पूरा बॉक्स अपने पास लेकर ना बैठे, क्योंकि जब हम एक बार मूंगफली खाना शुरू कर देते हैं तो उसे बंद ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितनी मात्रा में आपको खानी है उतना ही अपनी प्लेट में रखकर अपने पास बैठे, जिससे आप कम भी खा पाएंगी, आपका स्वाद भी पूरा हो जाएगा और आप सर्दी का आनंद भी ले पाएंगी। तो दोस्तों ये थी 5 टिप्स और एक बोनस टिप जिन्हें आपको फॉलो करना है और अपने वजन को तेजी से कम करना है। तो दोस्तों जल्दी से अपना वजन कम करें, अपने कमिटमेंट को पूरा करें और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका जीवन सुखमय हो।